हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए, सिंथेसिस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, आज हम आपके बीच लेकर के आए हुए हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार, कलम और कॉपी ले करके। आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, आपके नॉलेज की दृष्टि से, सीखने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड योर ऑल फ्रेंड। सो लेट्स स्टार्ट एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। सो हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इसके पहले हमने सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, खास करके पार्टिसिपल से, इन्फिनिटिव से, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। इसके बाद आज हम आपको दे रहे वाले हैं एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेज से कैसे हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है आज का क्लास, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार। चलिए बात करते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की। पहले हम यह जानते हैं कि होता क्या है। आज की क्लास में एडवर्ब यानी कि एडजेक्टिव में हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करेंगे, एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करेंगे। आप सभी जानते हैं कि खास करके जो एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज किया जाता है वो उसमें लग जाता है ly, यानी ly लगा करके हम सेंटेंस को बनाने वाले हैं। तो देखिए रूल्स पर ध्यान देते हैं, क्या रूल्स है भाई, क्या लिखा गया है, एडवर्ब समान रूप से ly, क्या लगा के ly का प्रयोग करके बनता है। तो पहले ही हमने आपको बता दिया कि एडवर्ब का जो प्रयोग है वो खास करके ly लगा करके बनाते हैं, लेकिन ly अब लगाएंगे किसमें लगाएंगे, तो एडजेक्टिव में लगाएंगे। ठीक है, उसमें ly लगाइएगा, जैसे हैप्पी का हैप्पली, सर्टेन का सर्टेनली। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिसमें ly लगा करके आज के सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड की बात करते हैं, यदि एक वाक के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तो उसी को बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज, उसी को एडवर्बियल फ्रेज। पिछले क्लास में हमने फ्रेज क्या होता है हमने आपको बताया था। यदि आप फ्रेज नहीं जानते हैं तो तुरंत अभी जो है कि प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां से देख करके अपने स्टडी को पूरा कर सकते हैं। देखिए लास्ट में क्या करा है, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या, सिंपल सेंटेंस बनाते समय पहले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव में ly लगाएंगे और ला करके बस पहले वाले सेंटेंस में लिख देते हैं। हो गया आपका सिंथेसिस, आराम से बना लेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत ही इजी तरीके से एग्जाम्पल्स लेंगे, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल्स में पहली बात करते हैं, ही वेंट टू स्कूल, ही वाज पंक्चुअल, वह क्या था, ही वाज पंक्चुअल। ध्यान दीजिएगा, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, ही वाज पंक्चुअल, वह क्या था, वह नियमित था, मतलब कि प्रतिदिन वह स्कूल जाता था, नियमित था। तो कैसे पहचानेंगे, पहचान का मतलब यह है कि पहले सेंटेंस में कुछ नहीं, सेकेंड सेंटेंस में कोई ना कोई एडजेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, इस नाउन या प्रोनाउन यानी किसकी विशेषता बताएगा, विशेषता बताएगा। तो जो शब्द वर्ब की विशेषता बताएगा उसी शब्द में ly लगा करके बस क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे भाई, वेरी इजी, बहुत तरीके से आप बना लेंगे। हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल, हमने कहा पहले सेंटेंस को ज्यों का त्यों, लिखते हैं, तो ही वेंट टू स्कूल। अब ही वेंट टू स्कूल, यहाँ वेंट यानी जाने का, गए का क्या बता रहा है, विशेषता कौन बता रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है नहीं, तो एडजेक्टिव कौन है, पंक्चुअल है।
पंचुअल में क्या लगा देंगे, पंचुअली लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पंचुअली लगा देंगे, तो आराम से बन जाएगा, क्या हो जाएगा, पी यू एन सी टू ए एल वाई, पंचुअली, क्या हो जाएगा भाई, पंचुअली, ठीक, बात समझ गए, पंचुअली, इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लगा देंगे एल वाई, पंचुअली बन गया ना, आपको सिर्फ और सिर्फ एल वाई लगाना है, इस प्रकार से सेंटेंस आपका आराम से बन जाना है, हो गया क्लियर। क्या कहना है कि पहले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखेंगे, सेकेंड सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होगा वो भी किसका एडजेक्टिव, उस वर्ब का एडजेक्टिव बताएगा, उस मुख्य क्रिया का एडजेक्टिव बताएगा, तो उस एडजेक्टिव वाले वर्ड में एल वाई लगा करके बस पहले सेंटेंस में जोड़ देना है, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। चलिए सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड सेंटेंस क्या करा है, आई थैंक्ड हिम, आई थैंक्ड, आई थैंक्ड हिम, फुल स्टॉप, आई थैंक्ड हिम, आई डिड इट, आई डिड इट, आई डिड इट, क्या लिखा है, आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट, आई डिड इट विथ ऑल माई, ऑल माई हार्ट, ठीक है, इस प्रकार से हो गया, क्या हो गया, आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट, मतलब मैंने किया दिल से धन्यवाद दिया, हृदय से उसको धन्यवाद दिया, है ना, मैंने यह कैसा किया, हृदय से किया, दिल से किया, ठीक, तो दिल से किया, तो ध्यान लीजिए अब कौन सा, यानी थैंक दिया, धन्यवाद दिया, लेकिन कैसे दिया, हार्ट, दिल से दिया, हार्ट से दिया, तो क्या करेंगे, बस हार्ट में आप क्या जोड़ देंगे, जोड़ देंगे एल वाई, बहुत आसान से बन जाएगा, कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, बहुत आसान तरीके से बनेगा, आई थैंक्ड, पहले सेंटेंस को ज्यों कहते हो, आई थैंक्ड हिम, आई थैंक्ड हिम, फिर हार्ट को क्या करेंगे, हार्टली, क्या करेंगे भाई, हार्टली, हो ना, हो गया आराम से, क्या हो गया, आई थैंक्ड हिम हार्टली, बहुत ही आसान तरीके से, आपको और किसी वर्ड को छूना ही नहीं है, किसी वर्ड को छूना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसको छूना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टच करना है उस एडजेक्टिव को, जो वर्ब का एडजेक्टिव बताता हो, उस एडजेक्टिव में एडवर्ब बनाएंगे एलवाई लगा करके, तो एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाया जाता है एलवाई जोड़ करके, तो हार्ट में हार्टली कर दिया और ला करके बस पहले वाले सेंटेंस में जोड़ दिया, बन गया ना आपका सिंथेसिस। तो देव क्लासेस पे एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आसान हो जाने वाला है, ठीक है, तो चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, क्या है, द स्टूडेंट रीड द बुक, द स्टूडेंट रीड द बुक, द स्टूडेंट रीड द बुक, ही रीड इट इन ए हरी, He read it in a hurry. H U double R Y. हरी माने जल्दी से, जल्दी से, ठीक है, तो देख लीजिए बस करना क्या है आपको, आप पहचान तो समझ गए होंगे, ठीक, कि सेकेंड वाले सेंटेंस में क्या कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, किसका एडजेक्टिव होगा, यानी विशेषता बताता है, तो किसका, किसी न किसी वर्ब का विशेषता बताता है, वो तो स्टूडेंट्स रीड पढ़ता है किताब, पढ़ना यानी क्या, जल्दी जल्दी पढ़ता है, जल्दी से पढ़ता है, तो वर्ब की विशेषता बताएगा, और वर्ब की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, अब एडजेक्टिव हो जाएगा तो उसको एडवर्ब बनाना है, एडवर्बियल फ्रेज बनाना है, तो आप एल वाई लगा करके बस पहले सेंटेंस में ऐड कर दीजिए, तो बना लीजिए पहले सेंटेंस को ज्यों का त्यों, क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को ज्यों का त्यों, तो हो जाएगा द स्टूडेंट रीड द बुक, उसके बाद क्या, हुरडली, एच यू डबल आर आई, क्या हो गया भाई, हुरडली, एच यू डबल आर आई ई डी एल वाई, हुरडली, हो गया ना, हुरडली, एक तरह से बहुत ही आसान तरीके से बन जा रहा है, हर्डली हो गया। चलिए अगला एग्जांपल्स लेते हैं, क्या करा है, द ट्री वाज कट डाउन, द कटिंग डाउन वाज स्लो,
ठीक है, द कटिंग डाउन वाज स्लो, क्या कर रहा है, द ट्री वाज कट डाउन, यानी पेड़ कट रहा था, यानी तो कटने की जो स्पीड है वो कैसी है, स्लो है, यानी वर्ब का बता दिया ना विशेषता, वर्ब का बता दिया ना एडजेक्टिव, बस स्लो को कर देंगे स्लोली, एलवाई लगा देंगे और पहले में ला के जोड़ देंगे, वेरी इजी। चलिए बना लीजिए आप आराम से, कैसे बन जाएगा, द ट्री वाज कट डाउन, कट डाउन क्या, स्लोली, क्या हो जाएगा भाई, स्लोली, ठीक। इतना तो आपको पहचानना ही पड़ेगा कि विशेषता कौन बता रहा है, उस वर्ब का विशेषता कौन बता रहा है, तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से सिंथेसाइज करना हो जाएगा आपके लिए एकदम आसान। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, क्या अगला एग्जांपल करा है भाई, ही वेंट टू मार्केट He was in hurry. HURRY. Was in hurry. तो कैसे बन जाएगा, बनाइए आप सभी लोग, ही वेंट टू मार्केट, यानी पहले सेंटेंस को ज्यों कहते हो, पहले सेंटेंस को ज्यों कहते हो, ही वेंट टू मार्केट, हरी को हर्ली अभी आपने बनाया है, क्या हो जाएगा, HURRIED LY, हर्ली ना, हर्ली भी बोलते हैं, हर्ली भी बोलते हैं, जिस प्रकार से आपको प्रोनाउंसिएशन करना हो आप कर सकते हैं, मिला जुला के सेंटेंस आपके सही होने चाहिए, आप गलत नहीं करेंगे, पढ़ने में सभी के सभी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, He kicked the player. It was his intention. क्या his was his intention to do so. Intention है ना, He kicked the player, full stop, it was his intention to do so. Intention माने क्या होता है, इसके माने होता है इरादा, क्या होता है भाई, इरादा होता है, ठीक। तो बस क्या करेंगे, intention को intensely, यानी क्या करा, He kicked, यानी वह लात मारा, वह मारा प्लेयर को, क्या था उसका, उसका ये इरादा था, क्या था उसका, उसका ये इरादा था। तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन हो गया भाई, इट आपका एडजेक्टिव है नहीं, वाज एडजेक्टिव है नहीं, हिज एडजेक्टिव है नहीं, टू डू सो एडजेक्टिव है नहीं, तो एडजेक्टिव है क्या, इंटेंशन, इंटेंशन क्या बन जाएगा, इंटेंसली बन जाएगा, और आराम से आप बना लेंगे, कैसे बना लेंगे भाई, He kicked the player. बस हो जाएगा, बना लीजिए, intentionally हो गया है ना, intentionally हो गया ना, intentionally इरादा से उसने उस प्लेयर को इरादा से लात मारा था, ठीक है, हिट किया था। चलिए अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, He forget his book, ठीक है, He was careless, वो कैसा लड़का है, वो बहुत लापरवाह लड़का है, ठीक है, ही फॉरगेट हिज बुक, वो अपना किताब भूल गया, ही वाज केयरलेस, बहुत लापरवाह लड़का था। तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना लेंगे, कैसे बनेगा, बना लीजिए, ही पहले सेंटेंस को ज्यों कहते हो, ही फॉरगेट हिज बुक्स, फिर क्या करेंगे, केयरलेस को केयरलेसली, क्या करेंगे, केयरलेसली, तो हो जाएगा carelessly, हो गया ना, ही फॉरगेट हिज बुक्स केयरलेसली, आराम से बन जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से बन जा रहा है। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल, क्या करा भी अगला एग्जाम्पल,
चलिए बात करते हैं क्या है एग्जाम्पल। द ट्रेन रन्स इट स्पीड इज वेरी फास्ट इट स्पीड इज वेरी फास्ट इट इज स्पीड इज वेरी फास्ट तो कैसे बन जाएगा? बहुत आसान तरीके से आप खुद बनाइए तो हो जाएगा यहाँ पे द ट्रेन रन्स फास्ट क्या हो जाएगा? द ट्रेन रन्स फास्ट है ना, द ट्रेन रन्स फास्ट हो जाएगा, द ट्रेन रन्स फास्ट। यानी कहने का मतलब यह है कि दो ऐसे वर्ड है जिसमें एलवाइन नहीं लगता है, एक है फास्ट एक है हार्ड, हार्ड में कभी हार्डली नहीं, फास्ट में कभी फास्टली नहीं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द ट्रेन रन्स फास्ट हो जाएगा, वेरी फास्टली नहीं, वेरी फास्ट नहीं, फास्टली नहीं, केवल और केवल फास्ट, क्योंकि फास्ट और हार्ड ऐसे दो वर्ड हैं जिसका एडवर्ब नहीं बनता है, वो सिर्फ वो खुद ही एडवर्ब में रहते हैं। तो इस बात को समझिएगा, आपके सवाल कभी गलत नहीं होने वाले हैं। चलिए लेते हैं लास्ट एग्जांपल आज के वीडियो का। तो ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री क्या हो गया भाई? ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री, देयर सर्विस इज सेल्फिश, क्या हो जाएगा? देयर सर्विस वर सेल्फिश क्या हो जाएगा? सेल्फिश हो जाएगा ना, तो Their service were selfish क्या हो जाएगा भाई? बहुत आराम तरीके से बना लेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे बहुत ही आराम से। कैसे बन जाएगा ध्यान दीजिए, great people serve their country किसे? selfishly कैसा बन जाएगा? selfishly तो हो जाएगा self है ना, तो जाएगा ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फिशली है ना, सेल्फिशली यानी क्या हो गया? सेल्फिशली इस प्रकार से सब आपका सेंटेंस बन जाता है। ठीक, तो हो गया ना सेंटेंस आपके सारे के सारे सॉल्व हो गए। तो कैसा लगा आज का क्लास आप जरूर मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। क्लास आज का अच्छा लगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है तो क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों में पहुँच रहा शेयर करें, और यदि नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं देव क्लासेस को तो अभी जस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो क्लास होता है ओवर, जय हिंद।